सोलन के जॉन जी रोड में एक विशालकाय पेड़ बिजली की तारों को तोड़ता हुआ सड़क के बीचों बीच गिर पड़ा है। ये घटना उस समय घटी जब सड़क पर कोई नहीं था, इसलिए कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इस पेड़ की चपेट में वहां खड़े कुछ दो पहिया वाहन जरूर आ गए। आपको बता दें कि ये पेड़ जिसके बारे में यहाँ के स्थानीय निवासी, नगर परिषद, लोक निर्माण विभाग और जिला प्रशासन को कई बार शिकायत भी कर चुके थे कि ये पेड़ खोखला हो चुका है और कभी भी गिर सकता है, जिसके चलते कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन किसी ने भी इस पर गौर नहीं की और परिणाम स्वरूप आज ये बड़ी घटना हुई है। सोलन के जोनाजी रोड पर एक विशालकाय पेड़ बिजली की तारों को तोड़ता हुआ सड़क के बीचों बीच गिर पड़ा। ये घटना उस समय घटी जब सड़क पर कोई नहीं था, इसलिए कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस पेड़ की चपेट में वहां खड़े कुछ दोपहिया वाहन जरूर आ गए। गौरतलब है कि ये वही पेड़ है जिसके बारे में यहाँ के स्थानीय निवासी, नगर परिषद, लोक निर्माण विभाग और जिला प्रशासन को कई बार शिकायत कर चुके थे कि ये पेड़ खोखला हो चुका है और कभी भी गिर सकता है, जिसके चलते कोई बड़ी घटना भी घट सकती है, लेकिन किसी ने भी उनकी गुहार नहीं सुनी और परिणाम स्वरूप आज बड़ी दुर्घटना होते होते बची। स्थानीय लोगों ने कहा कि वे कई बार विभिन्न विभागों को इस पेड़ के गिरने की संभावनाओं के बारे में अवगत करवा चुके थे, लेकिन विभाग है कि उनकी बातों को लगातार अनसुनी कर रहा था। यही वजह है कि आज ये घटना सामने आई है, जिसकी जिम्मेवार सरकारी मशीनरी है। जब ये पेड़ गिरा तो बिजली की तारें भी टूट गई और कुछ वाहन भी इसकी चपेट में आ गए। अगर इस पेड़ की चपेट में कोई व्यक्ति आ जाता तो उसका जिम्मेवार कौन होता? पंकज कुमार है, मैं ज्वानाजी रोड का निवासी हूं और इन पेड़ों की कंप्लेंट बहुत पहले हर विभाग को भेजी जा चुकी है। कुछ दिन पहले SDM साहब को भी जाके दिया गया था, किंतु ये तो आज कट जाएंगे कल कट जाएंगे करते करते रह गया। ये तो गनीमत थी कि ये रात के गिरा, यदि ये सवेरे किसी टाइम पे गिरता, क्योंकि व्यस्त रास्ता है काफ़ी, तो कोई ना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। यदि कोई हादसा होता उसकी फिर जिम्मेदारी कौन लेता? आज जो सब मिल के पेड़ को हटा रहे हैं, सारा लोग खड़े हुए हैं, प्रशासन के भी लोग आ गए हैं, किंतु बिजलियों के तारों का कितना नुकसान हुआ है, यदि ये किसी मकान पे या किसी व्यक्ति के ऊपर गिरता तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। इसलिए इस रास्ते पे जितने भी पेड़ हैं, कोई भी नहीं चाहता पेड़ कटवाना, किंतु जो खतरनाक हो गए हैं, जो जीवन ले सकते हैं, जीवन देने वाले पेड़ जीवन ले सकते हैं, तो वो पेड़ों को या तो छोटा करा दिया जाए या उसको देख के कटवा दिया जाए, जिससे कि आगे कोई हादसा ना हो सके। नगर परिषद पार्षद पवन गुप्ता ने कहा कि नगर परिषद बिना अनुमति के पेड़ों को नहीं कटवा सकता है। वह शहर में खतरनाक पेड़ों की सूची पहले ही जिला प्रशासन को दे चुके हैं ताकि पेड़ों को कटवाया जा सके, लेकिन अभी तक उन्हें कोई अनुमति नहीं मिली है, इसलिए वह जल्द एक बार फिर से इस बारे में जिला प्रशासन को सूचित करेंगे ताकि पेड़ों को जल्द कटवाया जा सके। लगातार हो रही बारिश से सोलन जोनाजी रोड पे पिछले काफ़ी समय से कुछ पेड़ हैं जो सूख गए हैं और ये खतरनाक पेड़ हैं, जिनको कटवाने का हमने निवेदन बहुत पहले भी किया था और अभी भी हम बार बार निवेदन कर रहे हैं कि इन पेड़ों को काट दिया जाए, क्योंकि इनसे ट्रैफिक की व्यवस्था भी वो रहती है और लोगों को भी असुरक्षा रहती है। अभी रात को बहुत ज़्यादा बारिश होने से एक पेड़ जो है बिल्डिंग पर गिरते गिरते बचा और ये सड़क में गिरा है और फायर ब्रिगेड सर्विसेज, पुलिस और प्रशासन के सहयोग से इस पेड़ को अब कटवाया जा रहा है और साथ ही आग्रह भी हमने किया है बाकी पेड़ जो सूख गए हैं इनको भी काटा जाए ताकि किसी भी जान माल का नुकसान होने से बचा जा सके। जान माल का नुकसान होने की संभावना है, इसलिए इन खतरनाक पेड़ों को जल्दी से जल्दी कटवाया जाए और आज हम भी प्रशासन से दोबारा से निवेदन करेंगे मिलकर कि इन पेड़ों को जल्दी उतारा जाए, क्योंकि अगर ये पेड़ कभी रात बरात गिरते हैं, किसी के ऊपर गिरते हैं, तो जान माल का कोई नुकसान हो सकता है। नगर परिषद भी अपनी तरफ से ऐसी व्यवस्था कर रही है, पर पेड़ों को गिराने के लिए एक परमिशन जो प्रशासन से चाहिए होती है वो हम प्रशासन से आज ऐसे निवेदन करेंगे कि इनकी परमिशन जल्दी से जल्दी दी जाए ताकि इन पेड़ों को काटा जा सके। सड़क किनारे लगे पेड़ के खतरे के बारे में स्थानीय लोग विभिन्न विभागों और जिला प्रशासन को चीख चीख कर बता रहे हैं कि ये कभी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं, लेकिन उनके कानों में जू तक नहीं रेंग रही। ये खतरनाक पेड़ कई बार राहगीरों की मौत का कारण बन चुके हैं, लेकिन शायद अब वे किसी बड़ी दुर्घटना होने का इंतजार कर रहे हैं।
तो ये था आज दिन भर कार्यक्रम, फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप जुड़े रहिए एच टुडे के साथ। नमस्कार।